वो भयानक रात भाग छे। संग्राम सिंह झाड़ियों के करीब पहुंचे ही थे कि कोई झाड़ियों से एकदम से बाहर निकला और उसे देखते ही संग्राम सिंह के कदम एकदम से रुक गए और उनके चेहरे पर पसीना टपकने लगा। पर वो कोई और नहीं, राहुल ही था, जो पसीने से लगभग भीगा हुआ था और पूरी तरह हांफ रहा था। राहुल! पापा, पापा! बाप बेटे की जबान जैसी रुक सी गई थी। टॉर्च की रोशनी में संग्राम सिंह ने राहुल को इस पूरी हालत में देखा तो दंग रह गए। वो कुछ पूछते उससे पहले ही राहुल ने कहा, पापा पापा जल्दी निकले यहां से। और वो संग्राम सिंह का हाथ पकड़ के उन झाड़ियों के पास से ऐसा भागा जैसे कोई बड़ी मुसीबत आ गई हो। संग्राम सिंह भी कुछ ना कह पाए और ना ही कुछ कहने का मौका दिया। संग्राम सिंह ने जाने राहुल के चेहरे पर किसी ऐसे भाव को देख लिया था कि कोई सवाल ही ना पूछ सके। दोनों उस जंगल से इस कदर भाग रहे थे जैसे जाने कितने दिन अंदर पहुंच चुके थे। उस जंगल में कुछ तो अजीब था, या कहें बहुत कुछ अजीब हो रहा था। आज रात हुई एक भी घटना साधारण नहीं थी, ना जाने ये किस भयानकता से जुड़ने वाली थी। कुछ घटनाएं जिंदगी में बदलाव का आगमन करती हैं, और यहां तो ये घटनाएं असाधारण ही लगने लगी थी। संग्राम सिंह और राहुल जंगल से जल्द ही बाहर आ गए। दोनों अब भी खामोश थे, पर सड़क पर अब कार नजर नहीं आ रही थी। जब दोनों कार के पास पहुंचे वहां गीता और अर्चना नहीं दिख रहे थे। हे भगवान, अब ये दोनों कहां चले गए? संग्राम सिंह ने कार के पास आते ही हांफते हुए कहा। अब उनका गला भी सूखने को था। पहले राहुल को ढूंढने की बेचैनी और अब ये दोनों, ये क्या हो रहा था? वहीं राहुल इतना खुद डरा हुआ था कि वो कुछ नहीं बोल पा रहा था और जल्दी से वो कार के अंदर जाके बैठ गया, जैसे किसी जानवर के डर से बच्चा पलंग के ऊपर चढ़ जाता है। संग्राम सिंह राहुल के इस व्यवहार से कुछ चौंक से गए। राहुल से भी उनके पास कुछ सवाल पूछने का समय नहीं था। वो शायद राहुल की खामोशी का मतलब कोई डर मान चुके थे। वो सड़क के चारों तरफ पत्नी और बहू को पुकारने लगे। अर्चना, गीता, अर्चना, गीता। ना जाने वो दोनों भी कहां गायब हो गई थी। संग्राम सिंह दौड़कर कार के पास आए और खिड़की से अंदर झांककर राहुल से पूछने लगे। बेटा, ये दोनों तो यही खड़े थे, लेकिन अचानक कहां चले गए? राहुल अब भी शांत था और संग्राम सिंह की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था, जैसे वाकई ही उसे किसी सांप ने सूंघ लिया हो। कार के चारों तरफ अंधेरा जैसे और बढ़ गया था। संग्राम सिंह अब कार की दूसरी तरफ भागकर उन दोनों को पुकारने लगे। अर्चना, गीता, अर्चना, गीता। संग्राम सिंह की हालत उस फौजी की तरह हो चुकी थी जिसके पास ना तो लड़ने के लिए बंदूक थी और ना ही अपने देश के बॉर्डर का पता, और साथियों का साथ तो भूल ही जाओ। संग्राम सिंह सूखे गले से जोर जोर से चिंगाड़ रहा था, पर वो जंगल शायद अपने ही मौज में था। वो जंगल संग्राम सिंह की आवाज को इस कदर अपने अंदर समा रहा था कि कोई भी आवाज गूंज नहीं रही थी। संग्राम सिंह सड़क के दोनों ओर पागलों की तरह चिल्लाए जा रहा था, अर्चना, गीता, अर्चना, गीता। इस एक रात में जैसे सब कुछ बदल चुका था। संग्राम सिंह की पत्नी और बहू गायब थी और उनका बेटा खामोश हो चुका था। इस कहानी का अगला अध्याय आप जल्द ही सुनेंगे।